कोरोना वायरस के चलते जिला बिलासपुर में लगे कर्फ्यू के दौरान विभिन्न नाकों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवानों को महामारी से बचने के लिए नैना देवी के विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई। रामलाल ठाकुर ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट SP बिलासपुर को 750 पुलिसों के जवानों के लिए भिजवाई है। इसके अलावा रामलाल ठाकुर ने 45 किट नगर परिषद बिलासपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारी व अन्य आपातकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को दी है। नगर परिषद की अध्यक्षा के माध्यम से ये किट रामलाल ठाकुर ने भिजवाई हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वे अपने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्टाफ को भी सुरक्षा किट देंगे, साथ ही वे स्वयं जाकर इन किट चिकित्सक स्टाफ को बांटेंगे। और मैंने आज पुलिस SP से कह के अभी मैंने वो जो वहाँ पे गाउंस हैं वो उनको भेजे हैं, ताकि उनका भी परिवार है, उनके भी स्वास्थ्य का प्रश्न है, ताकि वो गाउन पहन के अपनी ड्यूटी पे जाए और शाम को खोल के जो है वो उसको डिसेनेटाइज करके जो है वो घर में रखे, दूसरे दिन की ड्यूटी पे फिर जाएं। उससे ये होगा कि जो इतना मैं कहूँगा, ये भी बड़ा बलिदान है कि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर और कर्मचारी हैं या पुलिस के साथी हैं या कुछ और लोग हमारे हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ के हैं जो इस सारे काम में लगे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि सबको अपने प्राणों की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है। सब जो है वो ऐसी रहना चाहते हैं कि कोई बीमारी उनको न लगे। तो ये मैंने सोचा था कि ये काम हमने करना है। और जहाँ तक खाने की बात है, जहाँ तक अनाज देने की बात है, सरकार ने जो भी कार्यक्रम चलाए हैं, मैं आज के दिन उसके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य है कि सबको जितनी सामर्थ्य है उसके मुताबिक इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो है वो मदद करनी चाहिए। थालियां बजा के नहीं रुकेगा ये, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर बुजुर्गों को पूछा जाए तो थालियों को बजाने का मतलब यह है, बुजुर्ग कहते थे कि थाली अगर बजाएंगे तो अकाल पड़ेगा।